राम मेरे प्यारे बहन और भाई और सभी मेरे बुजुर्ग लोगों, मैं अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनिए, अपरा एकादशी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था, वह अधिक क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई महिध्वज को मारना चाहता था। एक बार रात को उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज प्रेतात्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहां पर उत्पात करने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेतात्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद को अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और स्वर्ग को चला गया। मानता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। बोलो अपरा एकादशी मैया की जय।